फ्रेंड्स आज मैं 32 साइज का फॉर्मा कटिंग दिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा कटिंग दिखाऊंगी। जिस तरीके से मैं दिखाऊंगी सेम तरीके से आप काट कर लीजिएगा। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट पेपर पे भी काट सकते हो या चाहो तो आप फैब्रिक पे भी काट सकते हो। तो आपको पहले क्या करना है, बैक साइड का लंबाई लेना है। तो 32 साइज के लिए अगर रेडीमेड करना है उस टाइम पे आपको मिनिमम 14 इंच ब्लाउज का लंबाई लेना है। इसको देखिए सीधा बराबर मिला लेना है। तो ये डीप नेक के हिसाब से होगा, उसी हिसाब से यहाँ पे 5.5 इंच पे आपको शोल्डर का मेजरमेंट लेना है और आर्म होल लेना है आपको 1.5 इंच। यहाँ पे ध्यान में रखना है अगर आपको खुद के लिए करना है, आर्म होल अगर बहुत छोटा होता है उस टाइम पे 5.5 इंच लीजिएगा। अभी छाती का चौथा हिस्सा लेना है 8। इसके साथ आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर रेडीमेड करना है उस टाइम पे 2.5 से 3 इंच लेना है। टोटल देखिए जितना छाती है उससे आपको 1/2 इंच कम लेना है। कमर के लिए आप इस तरीके से ले सकते हो, तब अलग से मेजरमेंट लेने का जरूरी नहीं होता है। अभी यहाँ पे देखिए आर्म होल का गोलाई लेना है। तो आर्म होल का गोलाई देखिए मैं यहाँ पे 1 इंच पे रखूंगी। आर्म का गोलाई यहाँ पे हो गया है। अभी नेक का चौड़ाई लेना है। तो यहाँ पे आप 2 इंच लीजिएगा। अगर बैक साइड में डोरी लेते हो उस टाइम पे 2.5 इंच दे सकते हो। और नीचे की तरफ मैं यहाँ पे 9 इंच रखूंगी। इस तरफ मैं 3 इंच रखूंगी। देखिए यहाँ पे आप अपने हिसाब से ले सकते हो, छोटा भी ले सकते हो या थोड़ा सा फैला हुआ भी ले सकते हो। और यहां से आपको लगभग 1 सूट या 1.5 सूट इस तरीके से पिंचा कर देना है और 5 इंच पे आपको यहाँ पे टच देना है। ऊपर की तरफ 5.5 इंच उठा लेना है। तो ये हो गया है बैकवर्ड। अभी हमें काट कर लेना है। तो अभी देखिए इसके हिसाब से हमें पहले निशाना लगाना है फ्रंट पार्ट के लिए। तो इसके बराबर यहाँ पे मिला लूंगी। अभी यहाँ पे निशाना लगा लेना है। इसको हटा लेना है। देखिए यहां तक बैक पार्ट था लेकिन आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट पार्ट के लिए, क्योंकि सिलाई के लिए आपको जो कटोरी का यहाँ पे सिलाई होगा, सिलाई के लिए आपको मिनिमम 1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसको सीधा कर लेना है। पहला जो निशाना मिला है यह अभी नहीं चाहिए, हमें इसके हिसाब से काट करना है। अभी यहां से देखिए हमें फ्रंट नेक डीप लेना है। यहाँ पे आप चाहो तो 7 इंच भी दे सकते हो, 6.5 इंच भी दे सकते हो या 7.5 इंच भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे 7 इंच रखूंगी। अभी यहाँ पे नेक का चौड़ाई में 2.5 इंच रखूंगी। इसको गोलाई देना है। इस तरीके से आपको गोलाई कर लेना है। अभी कटोरी के लिए मेजरमेंट लेना है। यहां से 6 इंच पे निशाना देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1.5 इंच पे, अगर किसी की फुल बास्ट बहुत ही कम है उस टाइम पे 5.5 इंच पे लीजिएगा, अदरवाइज आपको 1.5 इंच पे देना है। अभी यहाँ पे देखिए कटोरी आपको कितना लेना है। यहाँ पे आप अपने फुल बस्ट के हिसाब से ले सकते हो। आप यहाँ पे चाहो तो 6.5 इंच भी दे सकते हो, 7 इंच भी ले सकते हो, 7.5 इंच भी दे सकते हो। जितना ही आपका फुल बस्ट है उसी आधार पे यहाँ पे देना है। तो मैं यहाँ पे देखिए 7 इंच पे रखूंगी। तो 7 इंच पे लेने से इसका 1/2 कर लेना है इतना। और ऊपर की तरफ देखिए मैं उठाऊंगी 1 से 3 सूट ज्यादा उठाऊंगी। सेम देना है। अभी तीनों पॉइंट को मिलाना है।
यहाँ पे हल्का सा आपको इस तरीके से गुलाई देना है। तो मैंने यहाँ तक लिया था, तो हमें यहाँ तक चाहिए। अब इसको इसके साथ ऐसे मिलाना है। तो यहाँ से देखिए आपको 5 इंच 5 1/2 इंच कहीं से भी आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 5 1/2 इंच पर रखूंगी। इस तरीके से ये हो गया है। अभी यहाँ पे देखिए इसको इसके साथ मिलाना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके जाना है, क्योंकि डायरेक्ट फैब्रिक पे काटिंग होता है, जिसके कारण थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके जाना है। अगर आपको उरत नहीं करना है उस टाइम पे आप सीधा रख दीजिएगा। तो ऊपर का पार्ट हो गया है, अभी नीचे का पार्ट लेना है। यहाँ पे 3 1/2 इंच लेना है, इतना हमें नहीं चाहिए, फिर भी मैंने 3 1/2 इंच लिया। इस तरफ आपको 1/2 इंच डाउन करना है और इस तरफ आपको 1 इंच से 3 इंच ज्यादा लेना है। जितना ऊपर की तरफ होगा सेम नीचे की तरफ लेके आना है। पौने तो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो गया। अभी इस साइड पे रहेगा ये कितना लेना है। जो नीचे का पार्ट है इसको पहले इसका मीडियन निकल लेना है। निकालने के बाद 1 इंच ऊपर की तरफ और एक निशाना देना है, फिर इसको तिरछा करके ऐसे मिला लीजिएगा। ऐसा ध्यान में रखना है, इस तरीके से आपको सीधा नहीं लेके जाना है, आपको ये तिरछा कर देना है, तब हो जाएगा। फिर भी थोड़ा नीचे की तरफ ज्यादा होता है, बाद में आपको काट कर देना है। तो ऊपर की तरफ हो गया है, अभी नीचे का बेल्ट रह गया है। बेल्ट के लिए आपको बैक पार्ट लेना है, इसकी चौड़ाई के हिसाब से पहले निशाना देना है। फिर देखिए यहाँ पे जो है इसके हिसाब से भी आप दे सकते हो। इस तरीके से तो यहाँ पे 3 1/2 इंच लेने से हो जाता है, फिर भी आप चाहो तो 4 इंच ले सकते हो। मिडल से लेना है आपको। तो देखिए यहाँ पे हो गया है मिडल पे 4 इंच और यहाँ पे लगभग 4 1/2 इंच और इस तरफ देखिए 5 इंच से थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा। तो बेल्ट इस तरीके से लेने से हो जाता है। बेल्ट के लिए वैसे कोई मेजरमेंट नहीं चाहिए। तो यहाँ तक हो गया है, अभी ये काट कर लेना है। और यहाँ पे और एक चीज रह गया है, इसको भी तिरछा करके थोड़ा सा ऐसे मिला देना है। इस साइड पे थोड़ा सा तिरछा कर देना है ऐसे। नीचे की तरफ जो काट लगा के रख देना है, क्योंकि नीचे की तरफ रहेगा, गलती से अगर इस तरीके से हो गया तो पूरा ब्लाउज खराब होगा। अभी स्लीव्स रह गया है, तो स्लीव्स के लिए देखिए आपको यहां से मेजरमेंट लेना है। इस तरीके से आपको मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे देखिए कितना मिला है, 80 से लगभग 1 सूट कम मिला है। तो जितना मिला है उससे आपको 1 इंच ज्यादा लेना है। बीच नेक पे हमेशा आपको ऐसे ही काट करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड किया। सबसे पहले लंबाई लेना है, तो लंबाई मैं 5 इंच पे रखूंगी। अभी चौड़ाई लेना है, तो 8 इंच से लगभग 1 सूट कम मिला था, लेकिन हमें 9 इंच से 1 सूट कम लेना है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो जिस साइड पे ओपन है उस साइड पे आपको डाउन करना है, 3 इंच डाउन कर लेना है, इसको तिरछा करना है। अभी यहां से 2.5 इंच अंदर की तरफ लेना है। यहाँ पे हो गया है, मोरी पे ऐसे ही तिरछा कर देना है।
तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही इजीली स्लीव्स कटिंग हो गया है। अभी फ्रंट के लिए आपको यहाँ पे हल्का सा शेप देना है, ध्यान में रखना है ज्यादा शेप आपको नहीं देना है, 2 से 2.5 इंच आपको यहाँ पे शेप देना है। तो फिर यहाँ पे देखिए बैक साइड भी हो गया है, स्लीव्स भी हो गया है और फ्रंट का पूरा कटिंग कंप्लीट हो गया है। तो मैंने पेपर लिया जिसके बाद मैंने सिंगल लिया। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरीके से फॉर्मा आपको काटना है। तो इस तरीके से आप फॉर्मा काट कर सकते हो, अलग अलग साइज के लिए आप कटिंग करके रख सकते हो। तो सिलाई करते वक्त आपको बहुत ही इजी होगा। पसंद आने पे एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।